अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ साद फ्रॉम जी एम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो मेरे पास वीवो का V23 5G मोबाइल फ़ोन यूज़ में अवेलेबल है, तो आज मैं आपको इसकी मार्केट में प्राइस चली है सेकंड हैंड और इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखना। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कांडली हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जो है, और जो है वीडियो आपने स्किप मत कीजिएगा। प्राइस मैं आपको बीच में बताऊँगा, बाज़ात आप जो है वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस आपसे मिस हो जाती है और आपके मन में पूछ रहते हैं। तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा जिस तरह आप कहते हैं, और प्राइस भी बताऊंगा। तो ये मेरे पास सेट है वीवो V23 5G, हफ्ता 10 दिन ये सेट आप कह सकते हैं यूज्ड है, और सनशाइन गोल्ड कलर में जो है ये अवेलेबल है। बहुत ही खूबसूरत कलर है और कंप्लीट बॉक्स आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एक बार इसकी कंडीशन चेक करवा देता हूँ। 10x10 इसकी कंडीशन है। डिज़ाइन इस बार इन्होंने V23 का बहुत खूबसूरत लॉन्च किया हुआ है, और ये कलर जो है बहुत खूबसूरत कलर है, सनशाइन गोल्ड कलर है ये, बिल्कुल 10x10 कंडीशन है इसकी। साइड से भी आपको चेक करवा देता हूँ। बैक जो है इसकी गिलास है, सनलाइट में ये जो अपना बैक कलर जो वो भी चेंज करता है। किसी किस्म के आपको निशान वगैरह नहीं मिलेंगे। ऊपर जो है शीट लगी हुई है, इस पर आपको हल्के फुल्के स्केचेस नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये नीचे बिल्कुल साफ है। तो यूज़ करके भी आपको मैं चेक करवाऊंगा, और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी चेक करवाऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। सबसे पहले आपको इसका इंटरफेस एक बार चेक करवा देता हूँ। इस तरह से इसका आपको इंटरफेस मिल जाएगा। 179 ग्राम इसका जो है सेट का वेट है, इतना ज़्यादा वेट नहीं है। 6.4 इंच जो है इसका स्क्रीन साइज़ मिल जाएगा आपको। फुल HD प्लस आपको इसमें रेजोल्यूशन मिलते हैं 409 PPI के साथ। AMOLED इसमें आपको टच स्क्रीन मिल जाएगी। अबाउट फोन में आके आपको मैं इसकी डिटेल से चेक करवा देता हूँ। मीडिया तक आपको इसमें डायमेंसिटी मिल जाएगा 920 का 5G 6 नैनोमीटर के साथ। 12 GB प्लस 4 GB आपको इसमें एक्सटेंडेड रैम मिल जाएगी। 256 GB जो है इसकी स्टोरेज है फ़ोन की, मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है इसमें। एंड्रॉयड वर्जन जो इसमें आपको 12 मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। बैक कैमरे आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, 64 MP आपको मेन कैमरा मिल जाएगा वाइड एंगल के साथ, प्लस 8 MP मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ, और प्लस 2 MP इसमें आपको मैक्रो कैमरा मिलता है। और फ्रंट में भी इसमें आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा, देखने को 50 MP मिल जाएगा वाइड एंगल, प्लस 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने जो है इसमें भी लगाया हुआ है, अंडर डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि बहुत ही फास्ट अच्छा वर्क करता है। 4200 mAh की इसकी बैटरी है, 44 वाट का जो आपको इसमें चार्जर मिल जाएगा, 44 वाट का चार्जर मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग जो कि सपोर्ट करता है। बाकी सेटिंग से भी आपको मैं एक बार डिटेल चेक करवा देता हूँ। ये इसमें ऑप्शन मिल जाएंगी, आई थीम, आई प्रोडक्शन आ रही है, डार्क थीम की ऑप्शन आ रही है, डिस्प्ले साइज, रिफ्रेश रेट जो है इसमें आपको 90Hz तक मिल जाता है। डिज़ाइन जो है फ़ोन का काफ़ी खूबसूरत है। टाइप सी इसमें आपको पोर्ट मिलती है, ऑडियो जैक इसमें नहीं मिला हुआ, टाइप सी आपको अलग से इसमें कनेक्टर मिल जाएगा बॉक्स में, अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। बाकी यूज़ के लिए आज से काफ़ी अच्छी डिवाइस है। जो न्यू की प्राइस है 89,999 रुपीज़ प्राइस है इसकी, लेकिन इसमें डिस्काउंट हो जाता है और अच्छे आपको इसमें मार्जिन मिल जाएगा डिस्काउंटेड रेट। अगर आपको न्यू लेना है तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको मैं बता दूंगा कि जो डिस्काउंट होकर प्राइसेस की आ रही है कितनी आ रही है वो आपको बता दूंगा। और बाकी जो है फ़ोन यूज़ करने के लिए आपसे काफ़ी अच्छी डिवाइस है। कैमरे मैं चेक करवा देता हूँ इसमें आपको, पहले आपको मैं एक बार ऑप्शन चेक करवा देता हूँ जो जो इसमें ऑप्शन आ रही हैं, और इसकी जो प्राइस बताना चाहूँगा 78,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है। आपको ज़्यादा बेशक लग रही होगी, लेकिन आपको पता है कि अभी मार्केट में न्यू डिवाइस शॉर्ट है, जिसकी वजह से हर शॉपकीपर जो है अच्छा रेट, अच्छे से अच्छा रेट लगाता है, तो जिसकी वजह से इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अभी आपको पता है कि न्यू सेट है, हफ्ता 10 दिन चला हुआ है, और पिन पैक में भी जो है अभी ये अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट हो गया है। प्री बुकिंग जो आई थी उसके अलावा अभी दोबारा से ये आया नहीं है कंपनी से, जिसकी वजह से इसका रेट जो है थोड़ा सा तेज़ है अभी। लेकिन ये उम्मीद करता हूँ 10-15 दिन या महीने तक इसका रेट नॉर्मल हो जाएगा यूज़ में। नाइट की ऑप्शन मिल जाएगी इसमें आपको, पोर्ट्रेट की ऑप्शन मिल जाएगी, फ़ोटो की ऑप्शन मिल जाएगी, वीडियो की ऑप्शन आ रही है, मोर में आएंगे तो इस तरह से आपको स्लो मोशन की ऑप्शन मिल जाएगी, ड्यूअल व्यू की ऑप्शन मिल जाएगी। पिक्चर्स कुछ लिए हैं वो पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये इसके जो है फ्रंट कैमरे का रिजल्ट है। फ्रंट कैमरा इसका जो है 50 MP का है,
क्वालिटीज़ की आप कह सकते हैं कि काफ़ी क्लियर पिक्चर है, लेकिन अगर बैक कैमरे की बात करते हैं, बैक कैमरे का रिज़ल्ट फिर भी फ्रंट कैमरे से ज़्यादा बेहतर है। कलर्स वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट फ्रंट कैमरा इसका मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगा है। इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमरा इसका नहीं है फ्रंट कैमरा। बैक कैमरा कुछ कह सकते हैं कि आप, बैक कैमरा इसका 64 मेगापिक्सल के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइस रेंज की बात करते हैं उस हिसाब से और भी अच्छा हो सकता था इसका कैमरा। जैसे आपको पता है कि V21e जो आया था उस प्राइस रेंज में, उसके कैमरे बहुत अच्छे थे, तो उस हिसाब से इसके कैमरे की वजह से ये लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन कैमरा इसके जो है नॉर्मल है, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमरे नहीं मिलेंगे इसमें आपको। ये इसके बैक कैमरे का रिज़ल्ट है, ये आपको मैं चेक भी करवा देता हूँ। इससे बेहतर हो सकते थे कैमरा रिज़ल्ट मेरे ख्याल जहाँ तक है, बाकी और कस्टमर की अपनी पसंद होती है। फ़ोन वैसे काफ़ी खूबसूरत फ़ोन है, लेकिन अगर आप प्राइस रेंज की बात करते हो उसमें, उसमें मेरा कहने का मकसद है कि प्राइस रेंज में इसके कैमरे और बेहतर किए जा सकते थे। बाकी कंप्लीट बॉक्स है ये, कवर इसका जो है इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, थोड़ा सा इस्तेमाल है कह सकते हैं आप। कनेक्टर मिल जाएगा टाइप सी का आपको इसका ओरिजिनल, एंड फ्री मिल जाएगी, केबल मिल जाएगी ओरिजिनल। 44 वॉट का आपको इसमें फ्लैश चार्ज मिल जाता है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। ये ऊपर आ रहा होगा 44 वाट, तो चार्जिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छी डिवाइस है ये। फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, 4200 mAh की बैटरी भी है, तो इसमें चार्जिंग वगैरह में या बैटरी में इतना कोई इशू नहीं आएगा। बाकी काफ़ी अभी तक तो काफ़ी डिमांड आ रही है इस सेट की, क्योंकि ये आपको पता है कि सनलाइट में बैक का कलर भी जो है चेंज करता है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GM Tech।